दोस्तों, जियो वाउचर के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, इतना बड़ा धोखा दे रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले जियो ने 6 पैसे पर मिनट लेना शुरू किया, यानी कि IUC चार्जेस लेना शुरू किया। उसके साथ साथ एक प्लान अपना निकाला कि पर 10 रुपये की टॉक टाइम पे आपको 1 GB डाटा मिलेगा। लेकिन आपको क्या वो डाटा पूरे 1 GB मिल पा रहा है? आप यूज करके देखते हैं तो क्या मिल पाता है? दोस्तों, वो डाटा जो 1 GB मिलता है वाउचर करके, वो आपका यानी कि 200 MB के बराबर भी नहीं चल रहा है। वो जो 1 GB है वो 200 MB के बराबर भी नहीं चल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप कभी सोचें कि जब आप यानी कि 149 का रिचार्ज कराते हैं तो आपको प्लान एक्टिवेट करना पड़ता है, यानी कि जियो का कोई भी प्लान जब आप करते हैं तो एक्टिवेट करना पड़ता है। उसी तरह से जब हम 10 या 20 30 50 का जो भी टॉक टाइम रिचार्ज कर रहे हैं, उसको एक साथ क्यों नहीं एक्टिवेट किया जा रहा है? अगर मैं एक्टिवेट एक साथ अगर नहीं कर रहा हूँ, अगर जो बैलेंस है जो 7 रुपये 10 के रिचार्ज करने में 7 रुपये कुछ पैसे मिल रहे हैं और उसके साथ साथ 1 GB डाटा उनके द्वारा मिल रहा है, तो एक साथ उस प्लान को एक्टिवेट करना चाहिए, फिर उसको वाउचर करके बैलेंस अलग मिल जाए। जब आप रिचार्ज करा रहे हो तो उसके साथ में एक्टिवेट कर देना चाहिए, उस चीज़ को एक्टिवेट कर देना चाहिए, 1 GB डाटा और 7 रुपये जो मिल रहा है वो आपको एक्टिवेट करें। लेकिन उसको वाउचर के नाम पे करके जब वहाँ से आप एक्टिवेट करते हैं वाउचर के एक तरफ से करके, तो आप जो मेन डाटा है वहाँ पे भी वो शो नहीं करेगा। आप जब वाउचर ले रहे हैं तो वहाँ पे भी जब आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो नहीं काम कर रहा है, आपका वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है आपका डाटा 1 GB 2 GB 4 GB वो नहीं शो कर रहा है। लेकिन इतना फटाक से ख़त्म हो जा रहा है, इतना जल्द ख़त्म हो जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप मतलब कि 50 रुपये के रिचार्ज कराते हैं, आपको 5 GB के नाम पर 500 MB भी नहीं मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? आप कभी सोच रहे हैं, आप अगर जब भी रिचार्ज अगर कराते हैं टॉक टाइम, तो आप कभी उसको यूज करके देखिए, वो जो है आपका वाउचर को एक्टिवेट करके और यूज करके देखिए क्या वो चल पा रहा है परफेक्ट, क्या उतना चल पा रहा है जो जियो बताया है कि हम 1 GB दे रहे हैं जो डाटा वोस्टर से रिचार्ज करते हैं। जैसे आपको 21 के रिचार्ज पे जियो का प्लान है, 21 के पे आप अगर रिचार्ज करते हैं तो 1 GB डाटा देता है। तो जब उस डाटा को एक्टिवेट करते हैं ना आप, तो आपको शो करता है वहाँ पे, जहाँ पे आपका जो परमानेंट जो डाटा शो करता है वहाँ पे वो 1 GB शो करता है। लेकिन ये जो टॉक टाइम जो 10 का जो रिचार्ज आप करा रहे हैं जिसमें 1 GB दे रहा है जियो, क्या वो शो कर रहा है वहाँ पे? कभी नहीं शो कर रहा है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं शो नहीं कर रहा है। और वो आपको 100-200 MB के बराबर भी नहीं चल रहा है। और फटाक से आप कुछ YouTube वगैरह ये सब देखेंगे तब तक आपके पास मैसेज आ जाएगा उधर से कि आपका डाटा ख़त्म हो गया। तो आप इसको थोड़ा एक बार देख के देखिए और ये जियो क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।